भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर नारेबाजी करते हुए किसानों ने क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा सहित एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग है कि क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से बारिश नहीं हो रही है और वर्षा की कमी के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है और इस समय क्षेत्र में किसानों की हालत बहुत खराब है, इसलिए सरकार तुरंत खेतों में जाकर सर्वे कर कंडिका 6/4 के तहत राहत राशि और बीमा राशि दिलाने के खाते में तुरंत एक मुश्त डाली जाए। सरकार इस समय सभी वर्गों को खुश करने में लगी है लेकिन किसानों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। बिजली विभाग द्वारा भी किसानों को सिंचाई के लिए दी जाने वाली 10 घंटे की बिजली में कटौती करके मात्र 7 घंटे कर दी गई है, जबकि इस समय सिंचाई के लिए किसानों को बिजली की अत्यंत आवश्यकता है। इस पर तुरंत सुधार किया जाए। यह आपको बता दें कि 2 सितंबर को विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री को खाते का विधानसभा क्षेत्र में फसलों पर शीघ्र सर्वे करवाने हेतु पत्र लिखा है। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। किसान संघ ने विधायक जी को एसडीएम को किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले क्षेत्र में जो सोयाबीन की फसल अल्प वर्षा के कारण सूख रही है, उस कारण विधायक जी को हमने अवगत कराया और वही ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम माननीय एसडीएम साहब को दिया है कि हमारे क्षेत्र में जल्दी से जल्दी तत्काल सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि और बीमा राशि दी जाए। और दूसरा हमारा है कि बिजली विभाग ने जो 10 घंटे की लाइन किसानों को दी थी वो काट के 7 घंटे कर दिए, उसे भी बढ़ाया जाए जिससे किसानों के पास कुछ भी थोड़ा बहुत पानी है वो फेर सके। किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी, क्या मामला है? किसानों ने ये सरकार को चेतावनी दी कि 7 दिन के अंदर हमारी मांग अगर नहीं मानी तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा जिसकी समूचे जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।